हेलो स्टूडेंट्स, हमको बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत टफ है, इसमें एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स हमसे नहीं होते हैं, खासकर डीएनए के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो हमें होते नहीं, तो जेनेटिक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं। तो इसीलिए बच्चे हम आपके लिए लेके आए हैं 10 ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखते हैं, ट्रिकी बिल्कुल नहीं रहेंगे, एक बार साथ में मिलके उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो जल्दी से अपनी नोटबुक और अपना पेन निकाल लो, क्योंकि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आप करोगे, फिर रितु मैम आपको बताएगी उसका आंसर। तो लेट्स सी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, लेट्स से एशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया, ओके, इज अलाउड टू रेप्लिकेट वंस इन अ मीडियम हैविंग रेडियो एक्टिव थायमिडीन। बैक्टीरिया को हमने अलाउ किया है रेप्लिकेट करने के लिए एक बार, सिर्फ एक बार, इंपॉर्टेंट हाँ ये देखना। और किस में रेप्लिकेट करने के लिए अलाउ किया है? रेडियो एक्टिव थायमिडीन। विच वन इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, तो एक में आपके आप अपने आप देखेंगे सारे। बोथ द स्ट्रेंथ ऑफ डीएनए बिकम रेडियो एक्टिव, डीएनए की दोनों स्ट्रेंथ रेडियो एक्टिव हो गई क्योंकि हमने उसको रेडियो एक्टिव थायमिडीन में डाला था। या डीएनए की एक ही स्ट्रेंथ रेडियो एक्टिव होगी, एक वंस रेप्लिकेट होने के बाद पहली जनरेशन बन रही है, एक ही स्ट्रेंथ रेडियो एक्टिव होगी। ईच स्ट्रेंड, दोनों स्ट्रेंड आधी आधी रेडियो एक्टिव होंगी या कोई भी स्ट्रेंड रेडियो एक्टिव नहीं होगी? चलो जल्दी से करो, तब तक मैं इसको डीएनए को, ये है सपोज ये उसका डीएनए है, इकोलाई का डीएनए है, ओके, इसको हमने रेडियो एक्टिव, हमने इसको रेडियो एक्टिव थायमिडीन में इंट्रोड्यूस किया है और इसको रेप्लीकेट करा रहे हैं सिर्फ एक बार। अब तक तो आपको आंसर आ जाना चाहिए बच्चा, हम इसको एक ही बार रेप्लिकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट एक की चीज इसमें ये है कि रेप्लिकेशन हमेशा डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव मतलब उसको उतना रहता है, आधा पेरेंट जैसा होता है आधा नया बनता है। तो ये होगा, लेट्स से ये हमारा होगा, हमने पेरेंटल स्ट्रैंड एक बना देती हूं, ये एक पेरेंट वाली पहले जैसा रिटेन्ड है पेरेंट के जैसा, और उसके ऊपर नया स्ट्रैंड बनेगा ये इस तरीके से, एक पुराना होगा एक नया। और नया कैसा होगा? नया वो होगा जिसमें रेडियो एक्टिव, क्योंकि नए बनने के लिए रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज होगा। तो इस आंसर होगा वन स्ट्रैंड बिकम्स रेडियो एक्टिव, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है बच्चा कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट, नॉट करेक्ट देखो अबाउट ट्रांसलेशन। पहले तो ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है आरएनए जब प्रोटीन बनाता है, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, राइट? तो आरएनए जब प्रोटीन बनाता है तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है? इट स्टार्ट्स विद एयूजी, पहले सब पढ़ते हैं और देखते जाओ और तुम आंसर दोगे पहले। इट स्टॉप्ड एट द टर्मिनेशन कोडॉन, द कन्वर्जन ऑफ कोडॉन इंफॉर्मेशन इन टू प्रोटीन इज कंडक्टेड बाई ट्रांसफर आर एन ए, इट अकर्स इन द न्यूक्लियस। सो कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है? तो इसमें हम देखते हैं एक एक करके, हम सारी स्टेटमेंट्स को देखते हैं। इट स्टार्ट्स विद एयूजी, यस, क्योंकि एयूजी स्टार्ट कोडॉन है जो मीथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है, बिल्कुल ठीक है ये। सो दिस इज नॉट रॉन्ग। इट स्टॉप्ड एट द टर्मिनेशन कोडॉन,
बिल्कुल ठीक बात है। टर्मिनेशन कोडॉन कौन से होते हैं? नॉनसेंस कोडॉन 3 होते हैं, जिसमें जिसके अंदर जब जब ट्रांसलेशन वहां तक पहुंचती है तो रुक जाती है। ओके, कौन से हैं? UAA, UAG एंड UGA। याद करके रखो बच्चे, ऑल ऑफ यू के स्टॉप कोडॉन कौन से हैं। उसके बाद द कन्वर्जन ऑफ कोडॉन इंफॉर्मेशन इनटू प्रोटीन इज कंडक्टेड बाय ट्रांसफरन। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए हम ट्रांसफर आरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। क्यों एडाप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं? क्योंकि ट्रांसफर आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये काम करता है एक तरफ से, एक तरफ से ये अमाइनो एसिड को लेके आता है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है, और दूसरी तरफ से इसके इधर एंटीकोडॉन आर्म होती है जो कोडॉन को, मैसेंजर आरएनए कोडॉन को रीड करती है इस तरीके से। ये मैसेंजर आरएनए है और ये ट्रांसफर आरएनए, क्लोवर लीफ मॉडल है बच्चे। ओके, तो ये जो है एक तरफ से प्रोटीन की स्टडी कर रहा है, प्रोटीन, प्रोटीन की लैंग्वेज क्या होती है? अमाइनो एसिड। दूसरी तरफ से न्यूक्लियोटाइड की लैंग्वेज कोडॉन को। तो ये देखो, द कन्वर्जन ऑफ कोडॉन इंफॉर्मेशन इनटू द प्रोटीन इज कंडक्टेड बाय ट्रांसफर आरएनए, राइट? अब ट्रांसलेशन न्यूक्लियस में होता है? नहीं, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। एक बार देखें इसका बच्चे, ऑल ऑफ यू अब देखते हैं इसको। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हम डीएनए बनाते हैं, डीएनए बनाता है आरएनए, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ये इसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर ये बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद किधर निकलने के बाद? साइटोप्लाज्म में। बाहर निकलने के बाद यहां पे ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन इधर मतलब न्यूक्लियस में नहीं, साइटोप्लाज्म में। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट बच्चे, हर क्वेश्चन के साथ आपको 3-4 कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 15% एडेनाइन है। चलो देखते हैं, अगर 15% एडेनाइन है इसका मतलब थायमीन भी 15% होगा, क्योंकि ए और टी हमेशा एक साथ पेयर करते हैं, तो मतलब 30% हो गया। अब बचे सी और जी, कंबाइंड सी और जी कितने होंगे? 70%। 30% इधर है, सी और जी कंबाइंड कितने होंगे? 70%। इसका मतलब 35%। आंसर क्लियर? इजी। नेक्स्ट, इन एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टीज एक्सपेरिमेंट, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? जब प्रूव हो रहा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, सबसे पहले पहले ग्रिफिथ ने माउस को इन्फेक्ट किया था, उसमें तुमने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन देखा था बैक्टीरिया का, एस वायरुलेंट था, आर नॉन वायरुलेंट था। उसमें ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ये तो कुछ हुआ था कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन, कैसे बदल देता है आर स्ट्रेन को वायरुलेंट में, लेकिन ये नहीं पता चला था क्या चीज है जो आर को एस में कन्वर्ट कर रही है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट था एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी का बायोलॉजिक बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, राइट? अब इसमें बच्चा एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट
द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया वॉज इनिबिटेड बाय. सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है. ओके, अब इस बैक्टीरिया में एक एक्सटर्नली एक डीएनए प्रेजेंट है. ये एक्सटर्नली जो बाहर डीएनए प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया उस इट टेक्स अप दैट डीएनए, वो अपने अंदर ले लेता है. कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं इसको. उसने बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डीएनए ले लिया. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. अब वो कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रुकेगा, हमको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं. उन्होंने कैसे प्रूव किया था कि डीएनए है जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है? तो उन्होंने डीएनए को डाइजेस्ट करा दिया था. किस चीज से उन्होंने डीएनए को डाइजेस्ट, अगर डीएनए को डाइजेस्ट कर दे, ब्रेकअप कर दे, तो फिर वो अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. किस चीज से, कौन से एंजाइम से हुआ था? क्या वो एंजाइम प्रोटीएजेस, आरएनएस, डीएनएस, नन ऑफ द अबव? डीएनए को अगर डाइजेस्ट करना है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, और हमको पता चल जाएगा डीएनए की वजह से ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? नाम से ही पता चल जाएगा ना, डीएनएस. डीएनए को ब्रेकअप कौन करेगा? डीएनएस करेगा. ओके, तो वो एंजाइम किधर है? ऑलराइट, ये तो ये आंसर होगा क्या? बिल्कुल नहीं. आंसर होगा नन ऑफ दिस. कैसे? डीएनए को जो एंजाइम डाइजेस्ट करेगा वो ऐसे लिखते हैं, डीएनएस, ऐसे नहीं. ये क्या है? ये तो प्लूरल है, प्लूरल ऑफ डीएनए. ये तो डीएनए का प्लूरल, एक डीएनए, बहुत सारे डीएनएस, एस लगा के एंजाइम वैसे लिखते हैं. ध्यान रखो, गलती नहीं करना. ओके, नेक्स्ट. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन? लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी होती है मेरे बच्चा? लेट्स सी दिस. ये इस तरीके से, सपोज यहां पे हम लिखते हैं 5', 3', एंटी पैरेलल है. दिस, ओके. अब हम इसमें लेट्स सी एंजाइम, ये सपोज ये एंजाइम है. कौन सा एंजाइम है, कौन सा मेन एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में काम करता है? डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीडीडीपी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. और वो क्या करता है? पॉलीमराइजेशन करेगा न्यूक्लियोटाइड को. और कौन से डायरेक्शन में करता है? 5' to 3'. और कौन सा एंजाइम है जिसने इस डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके इसको इस तरीके से खोलता रहता है? ओके, ये हेलिकेज एंजाइम है. हेलिकेज एंजाइम है जो डीएनए को अनवाइंड करेगा बच्चे. ओके, अब एक तरफ तो याद रखो बच्चे, ये जो एंजाइम है डीडीडीपी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, 5' to 3'. प्राइमर भी होता है इसमें, विद द हेल्प ऑफ अ प्राइमर. लेट्स ड्रॉ, एक प्राइमर बना देते हैं यहां पे. इसी तरीके से यहां पे लैगिंग स्ट्रैंड पे एक नहीं, बार बार करना पड़ता है. ओके, लैगिंग स्ट्रैंड पे बच्चा, हियर इस तरीके से होता है, 5' to 3', 5' to 3', 5' to 3', लाइक दिस.
ये लीडिंग स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है और ये वाली लैगिंग स्ट्रैंड है, जिसके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स डीएनए के बने, जिनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और ये ज्वाइन हो जाएंगे, लाइगेज से ज्वाइन हो जाएंगे. अब एक बार एप्लीकेशन का क्वेश्चन देखिए बच्चा फिर से. व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द लैगिंग एंड द लीडिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन. On the leading strand, DNA synthesis occurs from 5 prime to 3 prime, while DNA synthesis occurs 3 prime to 5 prime on the ligand. दोनों strand में 5 prime to 3 prime होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है, कोई difference नहीं होता है. So इसमें भी 5 prime to 3 prime होता है, इसमें भी 5 prime to 3 prime होता है. दोनों में 5 prime to 3 prime होता है, तो ये गलत statement है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है. जस्ट अ सेकेंड बच्चे. ओके, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. राइट, नेक्स्ट. डीएनए पॉलीमरेज इज एबल टू कंटिन्यूअसली एड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड. लीडिंग स्ट्रैंड पे तो एकदम चले चले जा रहे, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड्स एड होते चले जा रहे. While it must keep starting over on the lagging strand में एक के बाद फिर से, क्योंकि उसकी direction 5 prime to 3 prime है, तो dead end आ जाता है. ऊपर फिर से ऊपर चलो, तो this is what is forming. ये बिल्कुल ठीक है. This is the true statement. The lagging strand requires only a single primer. लैगिंग स्ट्रैंड में ये बार बार जितनी बार वापस होगा उतने प्राइमर्स चाहिए होंगे, तो ये उल्टा है. द लैगिंग स्ट्रैंड रिक्वायर्स ओनली वन प्राइमर, व्हाइल द लीडिंग स्ट्रैंड रिक्वायर्स ऑपोजिट है. ये गलत हो गया. नेक्स्ट, हेलिकेज ओपन्स द लीडिंग स्ट्रैंड एट अ फास्टर रेट देन द लैगिंग. नो, हेलिकेज तो अपना काम दोनों स्ट्रैंड के लिए एक साथ कर रहा है, दोनों स्ट्रैंड ओपन होंगी, तो ये भी गलत है. तो आंसर इज सेकंड. अब लगने को ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे बच्चे, एक क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट, इफ देर आर 10,000 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, तो उसमें 10,000 बेस पेयर्स हैं, तो उसमें बेसेस कितने होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे. ये देखो, इसको बहुत सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं. हमने ऐसे करके डीएनए बनाया. ओके, ये जो सिंप्लीफाई, ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, ये तीसरा बेस पेयर है. ऐसे करके कितनी बेस पेयर्स तक हैं? 10,000. और हर एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? एक दो. तो कितने होंगे इसमें? 10,000 में 20,000 न्यूक्लियोटाइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनल साइंस, जिसमें क्रिमिनल केसेस सॉल्व होते हैं, इन फॉरेंसिक साइंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ यूजफुल टेक्निक टू ट्रेस जेनेटिक आइडेंटिटी. क्रिमिनल केसेस में क्राइम क्रिमिनल कौन है, या पेटर्निटी टेस्ट में कि फादर कौन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है ना, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल और टिश्यू डज नॉट फाइंड एनी यूज. मतलब उससे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डीएनए नहीं है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस भी नहीं है. तो आप, मैंने सारा क्लू दे दिया मैंने तुम्हें. ओके, क्या ल्यूकोसाइट्स हैं या एरिथ्रोसाइट्स, स्पर्म्स, सलाइवा, किसमें ऐसे सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है और डीएनए भी नहीं है?
ओके तो इसमें आंसर इज आरबीसीज एरिथ्रोसाइट्स. आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड होते हैं. सलाइवा में सेल्स होते हैं. देर आर स्कैटर्ड सेल्स इन सलाइवा. ओके सो ये हुआ एरिथ्रोसाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा था जो मिसेलसन और स्टाल ने यूज किया था टू लेबल डीएनए इन देयर एक्सपेरिमेंट. मिसेलसन एंड स्टाल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन चेक करने के लिए किया था. तो उन्होंने व्हाट रेडियो एक्टिव आइसोटोप वॉज यूज बाय मिसेलसन एंड स्टाल टू लेबल डीएनए इन देयर एक्सपेरिमेंट. ओके सो लेट सी S35, N35, P32 और नन. डीएनए में क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है. तो जरूर उन्होंने P32 यूज किया होगा. डीएनए में तो फॉस्फेट होता है ना, तो P32 क्या होगा? रियली आंसर इज नन. उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं यूज किया था. उन्होंने यूज किया था हैवी और लाइट, हैवी और लाइट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हैवी था N15 और लाइट था N14. उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज नहीं किए थे. सो द आंसर इज 4th. नेक्स्ट, if there are 999 bases in an RNA, messenger RNA, और आपको पता है कि messenger RNA में जो bases होते हैं वो तीन तीन मिलके एक codon बनाते हैं. हम triplet codon बोलते हैं. ये एक codon है, ये second, ये third, ये fourth, ऐसे करके ये codons है. Right. So if there are 999 bases in RNA that codes for a protein with 999 है तो कितने होंगे? 999 में हर तीन एक को एक अमीनो एसिड को बनाता है, तो उसमें 333 हो गए. ओके एंड द बेस एट द पोजिशन, अब हुई म्यूटेशन. द बेस एट द पोजिशन 901 पे जो है वो डिलीट हो गया, गुम हो गया, गायब हो गया, म्यूटेशन हो चुकी है. ओके डिलीट हो गया सच दैट द लेंथ ऑफ द आरएनए बिकम्स अब 998 हो चुका है. तो 99901 पे गड़बड़ हुई है, तो उसके आगे कितने 99 अफेक्ट हो गए. अब तो बचे 98 है, तो मतलब 900 के बाद 999 तो अफेक्ट हुए. टोटल कितने थे? 999. तो अगर 99 अफेक्ट हुए हैं और हर तीन एक अमीनो एसिड बनाता है, कितने अमीनो एसिड्स में फर्क पड़ेगा? ओके, हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी ऑल्टर्ड? 999 में तीन तीन एक कोडॉन बनाता है, एक कोडॉन तीन मिलके बनाता है, तो 99 में हुआ है चेंजेस, तो 33. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करते हैं, पर हमारे स्टूडेंट्स गलत नहीं करेंगे. क्या क्वेश्चन है ये? लेट्स सी. इन अ 3.2 केबी किलो बेस पेयर्स. केबी क्या होता है बच्चा? किलो बेस पेयर. किलो मतलब थाउजेंड वाला, वही किलो. ओके, ऑफ पीस ऑफ डीएनए एडिनाइन कितने हैं? 820 है. Adenine 820 है. Were found. What would be the number of cytosine? तो हमको cytosine ढूंढना है. Cytosine कितने होंगे? Okay. अब पहले देखें 3.2 किलो बेस पेयर्स होते कितने हैं? Okay. So ये देखें 3.2 किलो बेस पेयर्स. एक किलो बेस पेयर 1000 बेस पेयर होता है. तो 3.2 हो गया 3200 बेस पेयर्स. 3.2 किलो, किलो को मैंने कन्वर्ट किया
1 किलो 1000, सो 3.2 किलो बेस पेयर्स, 3200 बेस पेयर्स. अब 3200 बेस पेयर में बेसेस कितने होंगे? ये तो पेयर्स है ना, जोड़ा जोड़ा है ना, तो इसमें बेसेस कितने होंगे? इसमें बेसेस होंगे 6400 बेसेस, करेक्ट. अब 6400 बेसेस में अब हम आगे चलते हैं. हमारे पास ऑलरेडी ए है, टी भी सेम होगा, ए और टी तो दोनों पेयरिंग होती, तो ए और टी तो चारगॉफ्स रूल हमें मालूम है. ओके, तो ये कितना हो गया? 1640 तो हो गए, तो 6400 में. ओके, 1640 को तो हम डिलीट कर देते हैं, 6400 में 1640 इतने बचे. इसका मतलब सी और जी टोटल मिला के कितने होंगे? 4760. आई शुड नॉट मेक मिस्टेक, मैथमेटिक्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है. ओके, और अगर ये 4760 है जो इक्वली सी और जी में होगा, तो आंसर आएगा ओके टोटल. यप, सो व्हाट इज आंसर? क्या प्रॉब्लम थी? एज सिंपल, कितना सिंपल है. बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं और 780 आंसर करते हैं, पर तुम नहीं करोगे, स्मार्ट बच्चा. तो ये था बच्चे डीएनए के कुछ क्वेश्चंस, मॉलिक्यूलर बेसिस के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, लेकिन अब वो ट्रिकी नहीं रहेंगे तुम्हारे लिए. तो ऐसे ही हम और भी शॉर्ट वीडियोस लेके आएंगे बच्चा, सो कीप वॉचिंग. थैंक यू.